that. Look at that. Kuldikar. ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे ही डांस करता होगा ना. सो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पूनम पांडे का मुनव्वर फारूकी से काफी ज्यादा जो लगाव था, काफी ज्यादा उनकी अच्छी दोस्त थी. जब मुनव्वर फारूकी बिग बॉस जीत गए और बिग बॉस के अंदर थे, तब उनसे पूछा गया था कि वो मुनव्वर को सपोर्ट कर रही है फिर नहीं, और मुनव्वर के ऊपर उन्होंने क्या कहा था. चलिए हम आपको दिखाते हैं उनका लास्ट स्टेटमेंट मुनव्वर फारूकी के ऊपर. और आप तो जानते ही हैं, आई न्यू दिस समय कि ये जीतेगा. मैं उसके लॉकअप में 3 महीना रही हूँ. आई नो दैट ब्रेन. मैं तभी बोलती थी, आज भी बोलती हूँ. I'm glad he won. Big congratulations to my brother. तो एक दोस्ताना याराना सा उनका हमेशा मुनव्वर फारूकी के साथ रहा है. वो लॉकअप से ही उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं. उनको एक बहुत अच्छा भाई कहती हैं. उनके दिमाग को वो काफी अच्छा बताती हैं. वो हमेशा उन्हें सपोर्ट करती रहती हैं. और आज पूनम पांडे के साथ जो हो गया गाइस, वो बहुत ही बुरा हुआ. आई थिंक कि मुनव्वर फारूकी का भी कोई रिएक्शन जरूर हमें देखने को मिलेगा पूनम पांडे के ऊपर. सो आपका क्या कहना है गाइस, इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा. टिल देन, जय हिंद वंदे मातरम, गुड बाय. चाहूंगी कि खूबसूरत लोगों के साथ अक्सर ऐसी चीजें होती रहती है. उसके लिए तो बस यही बोलना चाहूंगी कि वो हर दौर से निकलता है, इस दौर से भी गुजर जाए.